इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि धरती अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। इंसानियत का नामोनिशान धरती से मिट चुका है। बचे हुए जितने भी इंसान थे वह बड़े बड़े स्पेसशिप में अंतरिक्ष की गहराइयों में निकल पड़े हैं। और एक ऐसी स्पेसशिप में एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम सी है। सी यहाँ पर अपने पिता के साथ है, लेकिन अब इनके पास पैसे पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि यह फॉरेस्ट मून पर जाकर, जहाँ का वातावरण पूरी तरह से जहरीला है, जहाँ पर बहुत सारे बेशकीमती पत्थर यानी कि हीरे हैं, उन्हें लेकर आएँ, जिससे इनकी पैसों की सर्वाइवल की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब सी अपने पिता के साथ एक पॉट से उस मून की तरफ आगे बढ़ जाती है, लेकिन इससे पहले कि यह पॉट से सही जगह पर लैंड करते, इनका पॉट खराब हो जाता है, जिस वजह से इनकी लैंडिंग एक दूसरी जगह पर हो जाती है। और जब सी और उसके पिता बाहर निकलते हैं तो वह देखते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। दरअसल यह पूरा का पूरा जंगल होता है, लेकिन यह अपना हेलमेट नहीं उतार सकते क्योंकि यहाँ का वातावरण इंसानों के सांस लेने के लिए नहीं है। अभी दोनों के दोनों जब आगे जाते हैं तभी इन्हें ज़मीन पर एक जगह दिखती है जहाँ पर पहले से खुदाई हुई होती है, और वहीं पर इन्हें एक चमकीली चीज़ दिखाई देती है। और जब यह उसे उठाते हैं तो यह एक बहुत ही बेशकीमती हीरा होता है, जिसे पाकर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इस हीरे की मदद से ये अपने सारे कर्जे चुका सकते हैं और उनके पास बहुत सारे पैसे भी आ जाएंगे। सी अपने पिता से कहती है कि हमें वापस अपने पॉड पर जाना चाहिए और इस जगह से वापस निकल जाना चाहिए, पर सी के पिता कहते हैं कि अभी तो हम असली जगह तक पहुँचे भी नहीं हैं, उस जगह पर जहाँ पर ऐसे हीरो का विशाल भंडार होगा, हमें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि हम दोबारा इस जगह पर वापस नहीं आ सकते। और एक बार अगर हम उस जगह पहुंच गए जहां पर हीरों का भंडार है तो हम वहां से बहुत सारे बहुत बेशकीमती हीरे लेकर जा सकते हैं, हमें ज़िंदगी भर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। सी अपने पिता की बात मान जाती है। और जब यह दोनों आगे जाते हैं तो यहाँ पर इन्हें दो और इंसान मिलते हैं जो कि इन्हीं की तरह यहाँ पर हीरों की तलाश में आए हुए होते हैं। सी और उसके पिता को यह दोनों आदमी पकड़ लेते हैं, लेकिन सी के पिता उनसे एक सौदा करते हैं। वह कहते हैं कि उस जगह जहाँ पर बेशकीमती हीरो का भंडार है, उस जगह के बारे में सिर्फ मुझे पता है। दरअसल ऊपर जो स्पेसशिप में एक टीम है, मुझे वह उस जगह तक पहुँचाने में मदद करेगी। हम सब वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ से हम हीरे हासिल करेंगे, और हम वह हीरे उनको ना देकर आपस में बांट लेंगे, जिससे हमारी पैसों की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वह दोनों इसकी बात मान जाते हैं और अब यह चारों के चारों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सी के पिता का कुछ और ही प्लान होता है। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वह इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। दरअसल सी के पिता के दिल में लालच आ गया होता है, इनके पास जो हीरे होते हैं वह उन्हें भी हासिल करना चाहते हैं, और इससे पहले कि वह उनसे हीरे हासिल करते, सी के पिता और इन दोनों में से एक के बीच में गन फायरिंग होना शुरू हो जाती है, जिसमें इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ पर अकेली सी है के सामने वह दूसरा लुटेरा है, पर इससे पहले कि वह सी पर हमला करता, उसे पकड़ता, सी वो उस जगह से भाग जाती है और सीधा अपने पॉड में आ जाती है। दरअसल उसे पता है कि वह पॉड के अंदर ही सुरक्षित है। वह अगले कई दिनों तक यहाँ पर रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी फूड सप्लाई भी पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है, इसलिए उसे अब कुछ ना कुछ करना होगा। वहीं वह दूसरा आदमी जिसका नाम एजरा होता है, वह जंगल में सी को ढूंढ रहा होता है, और अब वह उसके पॉड तक पहुँच जाता है और वह उसके पॉड के अंदर भी चला जाता है। और इससे पहले कि वह सी के ऊपर हमला करता, सी उसके ऊपर गन फायर करके उसे जख्मी कर देती है और वह वहीं पर गिर जाता है। तब एजरा सी से कहता है कि तुम्हें मुझे मेडिकल किट देनी ही होगी क्योंकि मैं ठीक होना चाहता हूँ, और अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो तुम भी कभी यहाँ से नहीं निकल पाओगी। यहाँ पर बहुत सारे एलियंस भी हैं, अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वह तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। इसके बाद हम उसी घाटी में जाएंगे जहाँ पर बेशकीमती हीरे हैं, जहाँ पर तुम्हारे पिता जाना चाहते थे। मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ, वहाँ से हम हीरे हासिल करेंगे और इस प्लेनेट से निकल जाएंगे। लेकिन सी उसे अब मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती है, लेकिन अगर उसने उसे मार दिया तो वह खुद भी इसी प्लेनेट से कभी भी निकल नहीं पाएगी क्योंकि उसका पॉड जिससे वह यहाँ से निकल सकती है वह पहले ही खराब हो चुका है। और अब उसके पास एक ही उम्मीद होती है और वह यह आदमी होता है।
पर सी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं, मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं, तुमने मेरे पिता को मारा था। एजरा कहता है कि तुम याद करो, तुम्हारे पिता ने हमें धोखा दिया था, ना कि हमने धोखा दिया था, उनके दिल और दिमाग में लालच था। सी को उसकी बात सही लगती है और जो कि सच भी होती है, इसलिए वह उसे मेडिकल किट दे देती है जिससे वह अपने घाव को ठीक कर लेता है। और अब यह दोनों के दोनों सफ़र पर निकल पड़ते हैं। दरअसल अब यह क्वीन लेयर जा रहे होते हैं जहां पर बेशकीमती हीरों का भंडार है। सी एजरा को रस्सी से बांध देती है और उसे आगे चलने के लिए कहती है और खुद उसके पीछे गन लेकर चलती रहती है क्योंकि अभी भी उसे उस पर भरोसा नहीं है। पर जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता है सी को उस पर भरोसा होना शुरू हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि यह कोई बुरा इंसान नहीं है। जो कुछ हुआ था वह सिर्फ हालातों की वजह से हुआ था और अब यह लगातार अपने सफ़र पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन एजरा के हाथ में जो जख्म होता है वह इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है और जल्दी उसे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए दोनों के दोनों यहाँ पर रहने वाले गाँव वालों के पास जाते हैं और एजरा उनसे मदद मांगता है। एजरा उससे कहता है कि मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, बदले में मैं तुम्हें बेशकीमती हीरे दे सकता हूँ। गांव वाले कहते हैं कि तुम बेशकीमती हीरे तुम हमसे ले लो, जितना चाहे हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन हमें सी चाहिए। दरअसल इनके गांव में अब एक भी लड़की नहीं है, इन्हें अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है जिसके लिए इन्हें एक सी की ज़रूरत है। सी इन सब की बातों को सुन लेती है और वह यहाँ से भाग जाती है, लेकिन इतने घने जंगल में उसे नहीं पता होता कि उसे कहाँ जाना है। साथ ही उसकी ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रही होती है और भागते भागते हुए उसे एक जगह पहुँच जाती है जहाँ पर उसे एक बार फिर से एजरा मिल जाता है, लेकिन अब उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब है। दरअसल उन गांव वालों ने उसे मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी होती है, इसलिए उसकी बॉडी में लगातार इन्फेक्शन फैलता जा रहा है और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे अपना हाथ काटना होगा, जिसमें सी उसकी मदद करती है। और अब एजरा का हाथ उसके शरीर से अलग हो गया है, इसीलिए इन्फेक्टेड जो हिस्सा होता है उसके शरीर में नहीं है। अगले दिन यह दोनों के दोनों अपना सफ़र तय करते हैं। अभी यह दोनों जान चुके हैं कि दोनों ही अच्छे इंसान हैं, यह दोनों हालातों के मारे हुए हैं, इसलिए इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और लगातार आगे बढ़ते हुए यह उस जगह तक पहुँच जाते हैं जो इनकी मंजिल होती है, यानी कि क्वीन लेयर तक, जहाँ पर बेशकीमती हीरे हैं। और यहाँ पर दूसरे लोग भी होते हैं जिनका सी के पिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। दरअसल यहाँ पर जो लोग होते हैं वह बहुत ही खतरनाक हैं, लेकिन इन्हें ज़मीन के नीचे से बेशकीमती हीरे निकालने नहीं आते, जो कि केवल सी के पिता को ही आता था। यहाँ पर एजरा अपने आप को सी का पिता बताता है, यानी कि वह अपना नाम वही बताता है जो कि सी के पिता का होता है। और अब यह लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें हीरे निकालने होंगे और वह उस जगह जाता है जहाँ पर हीरे होते हैं। वह बहुत कोशिश करता है लेकिन वह ज़मीन के नीचे से उन्हें सही सलामत नहीं निकाल पाता। हालांकि सी ने अपने पिता को कई बार ऐसा करते हुए देखा था, लेकिन जब वह कोशिश करती है तो वह भी ज़मीन से सही सलामत हीरे नहीं निकाल पाती। और तभी एक गार्ड उसे देख लेता है और यह बात वह अपने लोगों को बताने के लिए जा ही रहा होता है कि एजरा उसे मार देता है, क्योंकि अगर उन लोगों को यह बात पता चल गई तो वह इन लोगों को कैद कर लेंगे। और अब इन्हें समझ में आ जाता है कि इन लोगों को यहाँ से भागना होगा। यह दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें यह सब कुछ पता चल जाता है, वह इनका पीछा करते हैं। एजरा उनका मुकाबला भी करता है जिसमें वह काफ़ी जख्मी भी हो जाता है, इसलिए वह सी को कहता है कि तुम इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में अंदर जाओ और उसे हाईजैक कर लो और यहाँ से निकल जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन सी नहीं चाहती, वह कहती है कि हम दोनों साथ ही जाएंगे। एजरा उसे समझाता है कि मैं जख्मी हो चुका हूँ, मैं वैसे भी नहीं बचने वाला हूँ, तो मैं अकेले यहाँ से निकलना होगा। सी उसकी बात मान जाती है, लेकिन वह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में नहीं जाती बल्कि उस जगह पर जाती है जहाँ पर मेडिकल किट होती है। दरअसल यहाँ पर इन लोगों के बहुत सारे कैदी भी होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, वह सब भी अब आज़ाद हो चुके होते हैं। लेकिन सी उन सब से बचते हुए मेडिकल किट को उठाती है और सीधा एजरा के पास पहुंच जाती है। वह उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देती है और इसके बाद वह एजरा को लेकर उन लोगों की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाती है, जहां पर यह दोनों फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं और इस तरह से यह इस खतरनाक मून से निकल जाते हैं। इन दोनों की जान तो बच गई होती है, लेकिन जिन बेशकीमती हीरों को लेने के लिए यहाँ पर आए थे वह हीरे इनको नहीं मिलते। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती, प्यार, अपनापन यह ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है।
अगर सी और एजरा के बीच में दोस्ती नहीं होती, वह दोनों एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं बच पाता। साथ ही इंसान को कभी भी बड़े लालच में नहीं फंसना चाहिए। जिस तरह सी के पिता को हीरा पहले ही मिल चुका था, अगर वह उस हीरे को लेकर यहाँ से निकल जाते तो उनकी जान बच जाती, लेकिन उन्होंने और ज़्यादा हीरों का लालच किया, जिस वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी और अपनी बेटी की जान को भी खतरे में डाल दिया। तो यह थी पूरी कहानी फिल्म प्रॉस्पेक्ट की। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी।